ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद्भागवतम पांचवा स्कंद आठवा अध्याय श्लोक संख्या 17 पढ़ेंगे। जैसा कि अभी जो श्लोक चल रहा है उसको उच्चारण करना मुश्किल है, तो इसलिए हम उसे एक बार पढ़ेंगे। तो ये कौन सा अध्याय चल रहा है? भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। अपीक्षेमे नास्मिन् आश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देव गुप्तं द्रक्ष्यामि। अपीक्षेमे नास्मिन् आश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देव गुप्तं द्रक्ष्यामि। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं पहले। अपि हो सकता है कि क्षेमेण हिंस्र पशुओं के अभाव के कारण निर्भय होने से अस्मिन् इस आश्रम उपवने आश्रम के उद्यान में सस्यानि चरन्तम् मुलायम घास चरते हुए देवगुप्तम देवताओं द्वारा रक्षित द्रक्ष्यामि क्या मैं देखूंगा। अनुवाद। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस्र पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा? अनुवाद कृपया दोहराइए। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस्र पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा? तात्पर्य, महाराज भरत ने सोचा कि मृग उनके संरक्षण से निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता की शरण में चला गया है। फिर भी वे उस पशु को मुलायम घास चरते हुए तथा हिंस्र पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने की अत्याधिक इच्छुक थे। उन्हें केवल मृग का ध्यान रहता था तथा सभी प्रकार के पशुओं से उसकी रक्षा करने की चिंता रहती थी। भौतिक दृष्टि से ऐसे विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाएंगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा ही एक पशु पर इतने आसक्त होते जा रहे थे। अपने को इस प्रकार पतित बना देने
पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामिहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम ये सुनते आ रहे हैं भरत महाराज जी का चरित्र, और अभी वो प्रसंग चल रहा है जिसमें हम सुन रहे हैं कैसे भरत महाराज एक हरिणी से आकर्षित हो गए, हरिणी के बच्चे से कैसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक आसक्त हो गए। और इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि वो कैसे कह रहे हैं, ओह क्या मैं उसे देख पाऊंगा उस पशु को। तो आप देखिए किस तरह से कितने आसक्त हैं भरत महाराज। आप सोचिए जो भरत महाराज इतने बड़े साम्राज्य के त्याग किए, पूरे भारत के, जैसे आप सब जानते हैं कि जो भारत जो देश का नाम पड़ा ये किसके लिए, भरत महाराज के लिए। सोचिए जिनके नाम पे पूरा देश का नाम रखा गया, और उस समय भारत छोटा सा अभी का इंडिया नहीं था, पूरे विश्व पे पूरा विश्व ही भारत था। तो पूरे विश्व के जो सम्राट थे कितना ऐश्वर्य था उनके पास, इतना बड़ा राज्य, इतना संपत्ति, इतने सारे अनुयायी, इतने बड़े राजा, वो सब कुछ त्यागे थे किसके लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज वही राजा भरत सोचिए एक छोटे से हिरण के पीछे कैसे भाग रहे हैं, कैसे चिंतन कर रहे हैं पागल की तरह, कहाँ गया वो हिरण का बच्चा, कब मैं उसे देखूंगा। ऐसा एक बार पढ़ के लग रहा है कि जैसे कृष्ण के लिए श्लोक होते हैं ना, ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर वगैरह लिखे हैं कि कब मैं कृष्ण को वापस से दर्शन करूंगा। तो उसी प्रकार से देखिए भरत महाराज व्यवहार कर रहे हैं इन श्लोकों में। आगे और दो चार श्लोक ऐसे हम देखेंगे कैसे भरत महाराज पागलों की तरह उस छोटे से हिरण के बच्चे को ढूंढने निकल गए, और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, उन्होंने प्राण त्याग दिया, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। और फिर क्या हुआ, अगले जन्म में वो हिरण बने। तो ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, जिसको कि हमें बहुत इससे सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि भगवान जिसे सिखाते हैं तो क्या तो डायरेक्ट सिखाते हैं, नहीं तो अपने ही प्रिय भक्त के माध्यम से सिखाते हैं। ये सब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन, वास्तव में अर्जुन को कोई मोह नहीं हुआ था, लेकिन भगवान उनको एक अपना निमित्त के मात्र में उनको चुना, उनके माध्यम से हम सबको भगवद्गीता सिखाए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भरत महाराज का चरित्र है,
कि भगवान भरत महाराज के द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो अगर इस अध्याय पढ़ेंगे, आप सुन भी रहे हैं डेली, इसके जो तात्पर्य हैं तो इसमें प्रभुपाद जी कई चीज पे जोर देते हैं। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं वेरी कॉशियस, कि आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इस तरह से पतन होने का बहुत संभावना है। जैसे ड्राइविंग, आप में से कितने लोग ड्राइविंग जानते हैं, कार ड्राइविंग? बहुत लोग कार ड्राइविंग करते हैं। तो जब कार ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर एक बार भी थोड़ी गलती करी तो बस हरि बोल, है कि नहीं? तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, तो खुरस से धारा, कहते हैं ऐसे ब्लेड है कि ब्लेड जब शेविंग करते हैं थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो कट जाता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। इसी अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, उसको थोड़ा पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रभुपाद जी की भाषा में। आठवें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही समझते हैं ना, केयरलेसनेस, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगला आरती में सम्मिलित हों, अर्चा विग्रह की आराधना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, नीचे आ गिरेंगे। बहुत स्ट्रांग प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। आप जो अंग्रेजी में जानते हैं आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं ये 5.8.8 तात्पर्य। बहुत स्ट्रांग प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे हम जितने ऊंचे पद पे चले जाएं, नीचे आ गिरेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आ गिर सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं आ गिरेंगे, मतलब गिर ही जाएंगे। भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वस्तुतः यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं, यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसे अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उसे तप भी करते रहना चाहिए। इस सब का त्याग नहीं हो सकता। मनुष्य को यह समझ कर कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। रूपा जी क्या करें, हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि कैसे भरत महाराज जो इतने ऊंचे कोटि के भक्त थे, जो इन्हें इतना बड़ा राज्य को त्याग किया, लेकिन एक छोटे से हिरण के प्रति आसक्त होके गलती उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नियमों को ढीला कर दिया। जब हिरण से इतने ज़्यादा बच्चे से आसक्त हो गए तो अपना जो साधन था, साधना, वो उसमें कमजोर हो गए। समय समय पर जो मंत्र जाप था, पूजा था, वो नहीं कर पाए। केवल दिन भर वो हिरण के बच्चे के साथ ही खेलते रहे और उसी का ध्यान करते रहे। और देखिए हम फलस्वरूप देख सकते हैं, इतने महान राजा जो इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, लेकिन उनका भी पतन हो गया।
तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो यही है कि कैसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक और सतर्कता से नियमों का पालन करना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सर अरे ठीक है हम तो 10 साल 20 साल 30 साल से भक्ति, मान लीजिए कोई ड्राइवर सोचता है अरे मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ एक्सीडेंट नहीं होगा, संभव है नहीं। आप चाहे 20 साल पुराने ड्राइवर हो 30 साल पुराने ड्राइवर हो, अगर ड्राइविंग में लापरवाही करेंगे तो एक्सीडेंट होने की पूरे पूरे संभावना है दुर्घटना होने की, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। आप सोचिए मतलब ये बहुत ही जो भरत महाराज के लिए कहा गया है श्लोक, यो दुस्त्यजान दार सुतान सुरुद राज्यम हृदय स्पृश जहु युवेव मलवत उत्तम श्लोक लालसा, कि भरत महाराज ने सब कुछ कैसे त्याग किया था, जैसे मल को त्याग करते हैं, जैसे हम मल को सुबह सुबह डेली त्याग करते हैं तो किसी को दुख होता है कि हम मल को त्याग कर रहे हैं, नहीं चलो गंदगी शरीर से निकल गई। तो भरत महाराज ने ऐसे त्याग किया राज्य का, कई बार होता है ना हम कुछ अगर त्याग करते हैं तो मन में अफसोस होता रहेगा मैंने इतना अच्छा चीज़ क्यों त्याग कर दिया, भरत महाराज के मन में तनिक भी ऐसा भाव नहीं आया कि अरे मैंने इतना बड़ा राज्य का त्याग किया, राज्य करके भी तो मैं भक्ति कर सकता था, नहीं। लेकिन उन्होंने राज्य का त्याग किया किसके लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और कैसे, जैसे मलवत, जैसे मल को त्याग करते हैं, और उनकी इच्छा क्या थी, उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम है तो उत्तम श्लोक को प्राप्त करने के लिए उनके मन में लालसा थी, इसलिए उन्होंने त्याग किया। लेकिन इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी क्योंकि वो थोड़े से लापरवाह हो गए, और एक जगह भी ऐसे भक्त लोग कहते हैं कि क्योंकि भरत महाराज भक्तों का संग नहीं था उनके पास, तो इसलिए कई बार भक्तों का संग का यही फायदा है कि अगर हम थोड़ा सा गलत दिशा में जाएंगे तो जो हमारे आसपास के जो मित्र हैं भक्त हैं वो हमें सतर्क कर देंगे कि प्रभु आप थोड़े से गलत दिशा में जा रहे हैं, बहुत दिन से आप मंदिर आ नहीं रहे हैं, आपका जप करते हुए आपको देख नहीं रहे हैं आप, तो भक्त जो है वो थोड़ा हमें मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि भरत महाराज पूरे अकेले थे तो उनको भक्तों का मदद नहीं मिला, और एक बार वो गलत दिशा में गए तो वो चलते चले गए, है ना, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। और एक इसमें आप सोच सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकता है कि कोई भरत महाराज ने कोई गलती की क्या, जैसे एक हिरण के बच्चे को उन्होंने देखा पानी में तैरते हुए, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो तो छलांग लगा के नदी के उस पार चली गई, और उसके जाते ही वहाँ पे वो प्राण त्याग दी क्योंकि बहुत डरी हुई थी वो, और उसका गर्भपात भी हो गया। तो जो छोटी सी हिरण की बच्ची थी उसको क्या भरत महाराज ऐसे ही छोड़ देते, क्या करना चाहिए था? तो प्रभु ये समझाते नहीं, भरत महाराज का जो उनके बच्चे को लाना गलत नहीं था, उसको जान बचाना गलत नहीं था, लेकिन उसके साथ अत्यधिक आसक्त होना ये गलत था। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम परोपकार करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा है क्या, कल्याण है क्या, व्हाट इज़ द वेलफेयर, जो हम सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति का कल्याण कर रहा हूँ लेकिन हम जानते नहीं कि कल्याण का अर्थ क्या है, तो हम क्या कल्याण करेंगे, समझ में आ रहा है? हमें जानना तो चाहिए कि उस व्यक्ति का भलाई किसमें है, अगर हम जानते नहीं कि उसका भलाई किसमें है तो हम क्या भला करेंगे। सर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई आदमी डूब रहा है, हम उसके केवल कोट को बचा लें तो वो आदमी का भला होगा, नहीं होगा। तो अगर कोई आदमी, जैसे इस संसार में कोई भी व्यक्ति का हम भौतिक दृष्टि से भला नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी कहते हैं वो श्लोक भागवतम में जो पहले स्कंद के पांचवें अध्याय में आता है, यन लभ्यते दुखवत अन्यत्र सुखम, प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि जैसे सुख के लिए कोई प्रयास करता है, दुख के लिए कोई प्रयास करता है, नहीं दुख अपने आप मिल जाता है इस संसार में, तो वैसे सुख के लिए भी बिना प्रयास किए जितना हमारे भाग्य में सुख लिखा है वो सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। ये सुख और दुख किसके कारण मिलता है, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो इसीलिए अगर पूर्व जन्म के हमारे कर्म जैसे हैं उस तरह से हमें भौतिक सुविधा या भौतिक संपत्ति ये तो मिल ही जाएगी, और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो अगर हम चाहे जितना प्रयास करें या दूसरा हमें देना भी चाहे तो हमें नहीं मिल सकता। एक बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, शायद आप में से भी कोई सुना सुने होंगे, कि एक बार ऐसे कोई गरीब ब्राह्मण था तो पार्वती जी
वो शिव जी का भक्त था, तो पार्वती जी ने बोला कि आप देखिए ये बड़ा इतना आपका इतना भक्त है, इतना गरीब है, इसको आप कुछ दीजिए, क्या फायदा इतना गरीबी में रह रहा है। तो शिव जी ने क्या कहा, इसके भाग्य में नहीं है, कैसे दूँ मैं। पार्वती जी ने, नहीं आप दीजिए। तो ऐसा एग्जैक्ट ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं कहानी के बारे में, ऐसे कहते हैं कि एक बार वो उसको शिव जी ने एक फल के अंदर खूब सारा सोना भर के दिया, और जब पूजा की तो उसको फल मिला, लेकिन उस समय वो मूर्ख ब्राह्मण ने क्या किया, उसको खोल के देखा भी नहीं, उसको जाके बाजार में बेच के 1 रुपये में उसको बेच दिया, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं था। तो ये कहानी का इतना प्रामाणिक है नहीं जानता, लेकिन ये कहानी का शिक्षा महत्वपूर्ण है कि वास्तव में सच है, अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो अगर हम चाहें भी उसका भला करना, भौतिक दृष्टि से नहीं कर सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, हम सबको समझना चाहिए ध्यान से। अगर हम चाहते हैं किसका भौतिक रूप में भला करें, हमारे कोई मित्र हो या हमारे कोई संबंधी हो या समाज के लोग हो, तो भौतिक दृष्टि से हम चाह के भी नहीं कर सकते उनकी मदद, कि उनको जितना सुख मिलना है दुख मिलना है वो तय है। थोड़ा बहुत चाहे तो हम 19-20 थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम बदल नहीं सकते भाग्य जिसे कहते हैं, भौतिक भाग्य। लेकिन एक चीज़ बदल सकते हैं, क्या, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक लाभ उनको पहुँचा सकते हैं जो कि परमानेंट है, स्थायी रूप से हम उनका भला कर सकते हैं, हमेशा के लिए भला कर सकते हैं। तो ये हमें इस दूसरा इसमें शिक्षा मिलता है कि भरत महाराज बहुत केवल भौतिक रूप से उसका भला करना चाहे, वो ठीक से खा रहा है पी रहा है, भरत महाराज को सोचना चाहिए तो पशु है मैं इसको अब आध्यात्मिक जीवन में कैसे, कोई फायदा नहीं, उन्नति कर ही नहीं सकता ही। तो इतना ज़्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं थी, छोड़ देना चाहिए था, ठीक है जैसा उसके भाग्य में होगा वैसा होगा। लेकिन नहीं, उनको लगा कि नहीं ये तो मेरे पास आश्रित है, इसको मैं खिलाऊंगा नहीं तो खाएगा क्या, मर जाएगा बेचारा, खिलाना पिलाना हमेशा ध्यान रखना साथ में सुलाना, तो इस तरह हमेशा वो हर समय दिन रात वो हिरण का ही चिंतन करते रहे। जैसे भगवान कहते हैं मनमना भव मत भक्त, वो हमेशा हिरण का ही हमेशा चिंतन करते रहे। और उसके फलस्वरूप वो अपनी साधना भी ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि उनका समय ध्यान हर समय हिरण के प्रति चला गया। और फिर जैसा हम गीता में श्लोक सुने हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ति अंतकलेवरम यह प्रयात, हाँ तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो देखिए जो भागवतम है विस्तार रूप से, भगवद्गीता में सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में दिया है थोड़े थोड़े, लेकिन उसका विस्तार रूप में भागवतम में दिया। ये श्लोक हम जो गीता में पढ़ते हैं इसका उदाहरण क्या है, भरत महाराज का चरित्र, कि अंत समय में हम जो चिंतन करेंगे वैसा ही शरीर हमें मिलेगा। भागवतम में एक उदाहरण हम देखते हैं भरत महाराज का, और एक उदाहरण ऐसे ही है पुरंजन का, कि पुरंजन अपने स्त्री अपने पत्नी के बारे में चिंतन करते हुए प्राण त्यागा तो अगले जन्म में स्त्री बना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मरने के समय हमारा क्या भाव है, क्या चिंतन है, और ये किस पर निर्भर करता है, पूरे जीवन में हमने क्या सोचा, क्या हमने किया। जैसे कि कोई बच्चा फाइनल एग्जाम में वो नंबर कैसे लाता है, पूरे साल उसने जैसा पढ़ाई किया उसी हिसाब से उसके नंबर आएंगे। तो उसी प्रकार हमें पूरे जीवन भर अगर हम कृष्ण का चिंतन का अभ्यास करेंगे तब जाके चांस है कि मृत्यु के समय भगवान का चिंतन कर पाए। क्योंकि मृत्यु का समय पहली बात तो ये अनअनाउंस्ड एग्जाम है, जैसे एक एग्जाम का कम से कम डेट होता है कि इस तारीख को परीक्षा है, ये मृत्यु ऐसी परीक्षा है जिसका कोई तारीख हम जानते ही नहीं, किसी दिन भी वो परीक्षा आ सकता है। इसलिए हमें हर दिन उसके लिए तैयारी करनी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसलिए हमें इसके लिए तैयारी करनी है कि अंत समय में अगर हम चूक गए तो फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पशु का जन्म या मनुष्य का जन्म। तो इसलिए हमें बहुत सतर्कता से भक्ति के नियमों का पालन करना। जब भरत महाराज की दशा हो सकता है तो सोचिए हमारे साथ तो बहुत आसानी से ये चीज हो सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो है कि देखिए भरत महाराज का पतन हो भी गया तो क्या उनकी भक्ति नष्ट हो गई, हाँ क्या, हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए कि भगवान इतने दयालु हैं कि दूसरे जो मार्ग में रहते हैं एक बार उनका पतन हो गया तो वो गए काम से। इन भक्ति मार्ग का ये फायदा है कि भगवान इतने दयालु हैं कि अगर
दुर्भाग्यवश अगर हमारा पतन हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन भगवान हमें मदद करते हैं कि कैसे हम वापस भक्ति में आए। तो भरत महाराज के साथ क्या हुआ, हालांकि उनको मिला हिरण का जन्म, लेकिन भगवान ने उनको स्मृति दिया, उनको याद था अपना पिछला जन्म, और इसलिए उनको जन्म हुआ तो वो बाकी हिरण की तरह खेलने कूदने में या घूमने में नहीं रहे, वो पुलस्त्य मुनि के आश्रम में गए। भागवत में लिखा है ये स्थान कहाँ पे है, जो भरत महाराज की जो लीला हुई, ये गंडकी नदी नेपाल में है। मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन कई भक्त गए, आप में से कोई गए वहाँ पे गंडकी नदी नेपाल में, मुक्तिनाथ बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पे शालिग्राम शिला मिलता है उस नदी के नीचे, तो उस स्थान पे वहीं पे भरत महाराज की पूरी घटना हुई। तो जब हिरण का जन्म मिला तो तुरंत भरत महाराज आश्रम में चले गए और भगवान का चिंतन करते रहे हिरण के जन्म में भी, और अंत में जब उनका मृत्यु हुआ तो वो फिर जड़ भरत के रूप में जन्म लिए। और फिर हम जानते हैं आगे कैसे जड़ भरत के रूप में वो, क्योंकि एक बार उनको उनसे गलती हो गई थी तो इस बार वो बहुत बहुत सतर्क मिलेंगे, किससे आसक्त नहीं होना, बात नहीं करना किससे, तो वो गूंगी का अनुभव, गूंगे होने का अभिनय किए और बिल्कुल जड़ के रूप में रहे। उनको लगा कि मैं कुछ ऐसा, लोग मुझे मूर्ख समझे ताकि कोई कुछ मुझे कार्य में ना लगाए, माता पिता मेरी शादी ना करें, इस प्रकार उन्होंने अभिनय किया क्योंकि वो एक बार गलती कर चुके थे। और फिर अंत में उस जन्म में उन्होंने सफलता प्राप्त करके भगवत धाम चले गए। तो ये इस महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग नष्ट परंतप, या जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि कौनते है प्रतिजानी ही नमय भक्त प्रणश्यति, तो भक्त कभी नाश नहीं होता, थोड़े समय के लिए हो सकता है कि दुर्घटना के बाद थोड़ा विचलित हो जाए लेकिन वो वापस जरूर आता है। ये बहुत ही विशेष शिक्षा है इस चरित्र में, और ऐसा हम भागवत में तो कई उदाहरण हैं और विशेष करके प्रभुपाद जी के जीवन में हम बहुत ऐसा, हमारे इस्कॉन के इतिहास में हमेशा बहुत देखते हैं कि कई ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे या बाद में जो भक्त हुए, थोड़े समय के लिए भक्ति के पद से मान लीजिए वो अलग हो भी जाते हैं लेकिन बाद में कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वो अपराध ना करें, अगर वो गुरु के प्रति उनका अपराध का भावना आ गया, हाँ गुरुद्रोही हो गए वो, तो उनका कोई उद्धार नहीं। लेकिन अगर वैसे मान लीजिए किसी का कोई पतन हो जाता है या भक्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो वापस गुरु कृष्ण कृपा से वापस आ सकते हैं, लेकिन अपराध अगर वो करते हैं बहुत ज्यादा तब आना संभव नहीं होता। अगर अपराध की मानसिकता को बनाए रखें, अगर त्याग कर दे तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर वो अपराध की भावना को मन में बनाए रखें, गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति द्वेष की भावना है, तब उनका उद्धार नहीं होता। लेकिन वो सरल भाव के हैं, किसी गलती के कारण वो भक्ति के पद से अलग हो गए तो अवश्य उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है इसमें। और अभी नित्यानंद त्रयोदशी था दो दिन पहले, एक बहुत सुंदर लीला है चैतन्य चेतामृत में, काल कृष्णदास, तो सुना है काल कृष्णदास कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ वो दक्षिण भारत के गमन में गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो सारे भक्त उनके साथ जाना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, सब जाना चाहते थे। इन महाप्रभु बोले मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने क्या कहा, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ विश्वरूप, जो पहले संन्यास ले चुके थे। तो फिर नित्यानंद प्रभु और सब ने बहुत आग्रह किया कि प्रभु आप अकेले कैसे करेंगे, आप तो नाम जप करते रहेंगे, आपका कमंडलू, आपके वस्त्र कौन उठाएगा, एक एक ब्राह्मण को तो अपने साथ ले जाइए। तो महाप्रभु बोले ठीक है। तो नित्यानंद जी ने बोला कि एक बहुत सुंदर ब्राह्मण है, बहुत सरल भाव का है, अच्छा भक्त है, काल कृष्णदास, इसको आप अपने साथ ले जाइए। तो महाप्रभु बोला ठीक है। तो काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उनके साथ वो उनके पर्सनल सेवक बन के दक्षिण भारत यात्रा में गए। और महाप्रभु शुरुआत किए पुरी से आलारनाथ, फिर दक्षिण के तरफ गए, पहले कहाँ गए, कूर्म क्षेत्र, फिर और दक्षिण की तरफ जाते गए सिंहाचलम, नरसिंह देव जी के मंदिर, फिर दक्षिण की तरफ जाते रहे आंध्रा में विजयवाड़ा और अहोविलम, राजमंड्री, कुवूर, जहाँ पे वो रामानंद राय से मिले, फिर और दक्षिण की तरफ जाते गए मदुराई, तिरुपति,
सब दर्शन किया महाप्रभु ने। जाते जाते फिर केरला एरिया में आए, जो आज केरल है। तो वहाँ पे जो महाप्रभु के निजी सेवक थे काल कृष्णदास, वो आकर्षित हो गए कुछ भट्टाहारी द्वारा। एक कोई ग्रुप है जिसका नाम था भट्टाहारी, जिनको तांत्रिक विद्या वगैरह था उनके पास, इनके पास स्त्रियाँ थी, तो वो दूसरे लोगों का मन विचलित कर देती थी और उनको अपने कैंप में लेके आ जाते थे और फिर वो उनको अपने पास बंदी बना लेते थे। तो वैसे ही हुआ, काल कृष्णदास जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के साथ थे, उनको ये भट्टाहारी की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने उनको क्या कर दिया, इनको मोहित कर दिया और अपने कैंप में लेके आ गए। महाप्रभु देख रहे मेरा सेवक कहाँ गया, वो तो मेरा सेवा करने वाला, वो कहाँ गायब हो गया। तो महाप्रभु तो खैर अंतर्यामी जानते हैं, तुरंत चले गए भट्टारी के कैंप में और बोले वो मेरा सेवक है, वो तुम्हारे पास है, देखो तुम भी सन्यासी, एक्चुअली वो भी अपने आप को सन्यासी बोलते थे, बोलो तुम भी सन्यासी मैं भी सन्यासी, देखो सेवक तो चाहिए, मेरा एक ही सेवक है, इसको वापस कर दो। लेकिन वो लोग तो सुने नहीं, बोले अच्छा वापस नहीं करेंगे। तो महाप्रभु के तरफ उन्होंने हथियार फेंकना शुरू किया, तो हथियार क्या हुआ, घूम के वापस उन्हीं की तरफ आ गया। जैसे मान लीजिए आप किसी को चाकू फेंक रहे हैं, वो चाकू घूम के आप ही को आके चोट पहुंचा रहे हैं, तो वैसा ही हुआ। और फिर महाप्रभु शिखा पकड़ के काल कृष्णदास को खींच के ले आए। सोचिए जो कृष्ण के साथ थे, महाप्रभु के साथ में, लेकिन उनका कैसे माया के द्वारा वो प्रभावित हो गए। देखिए माया कितना शक्तिशाली है। लेकिन महाप्रभु फिर दक्षिण कुछ नहीं बोले, बस वापस दक्षिण भारत यात्रा उनका हुआ। फिर दक्षिण से फिर वो पश्चिम की तरफ गए, महाराष्ट्र तक, और फिर वापस वो उड़ीसा आ गए। ऐसे 2-3 वर्ष करीब लगा उनके दक्षिण भारत यात्रा का। तो जब वापस पुरी आए तब जाके वो बोले कि नित्यानंद तुमने ये भक्त को भेजा था, बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया इसका, अब आप ही संभालो इस भक्त को। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ऐसा नहीं कि उसको, देखिए कितने दयालु हैं, इसलिए कहते हैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से और ज्यादा दयालु हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बंगाल भेजा, क्योंकि सची माता को कोई खबर नहीं मिला था कि महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, क्या उन्होंने लीला किया। तो नित्यानंद प्रभु ने सोची इतनी सुंदर सेवा दी काल कृष्णदास को कि उसको भेजा मायापुर सची माता के पास में, कि जाइए आप सची माता के पास में जाइए, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाइए और वहाँ पे सब भक्तों को लीला सुनाइए कि महाप्रभु ने दक्षिण भारत में क्या क्या लीला की। क्योंकि उस समय फोन वगैरह तो था नहीं, तो कैसे समाचार भेजे। तो इतना सुंदर सेवा दिया किसको, काल कृष्णदास को, जिसने इतनी बड़ी गलती की थी। तो इससे ये शिक्षा नहीं कि हाँ चलिए हम जितना भी गलती कर ले भगवान महाप्रभु बहुत दयालु है, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु, हमें क्षमा करें, नहीं। लेकिन एक शिक्षा इसमें यह है कि क्योंकि काल कृष्ण ऐसा नहीं कि दोबारा गलती करे, एक बार गलती उससे हो गई तो उसको नित्यानंद प्रभु ने दोबारा चांस दिया। देखिए महाप्रभु ने नहीं दिया, जब महाप्रभु लौट के आए बोले इसको ले जाओ, इसको अब मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। लेकिन नित्यानंद प्रभु और ज्यादा दयालु है महाप्रभु से, कृष्ण ज्यादा दयालु नित्यानंद जी हैं महाप्रभु से दयालु। और नित्यानंद प्रभु से और ज्यादा दयालु कौन है, उनके भक्त, जैसे प्रभुपाद जी, भक्त सरस्वती ठाकुर। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कभी नहीं बोले, जैसे मान लीजिए कोई शिष्य अगर थोड़े समय के लिए पद भ्रमित हो गए या कहीं बाहर चले गए, तो प्रभुपाद जी हमेशा उनका दोबारा स्वागत करते थे कि दोबारा आप कभी भी आ सकते हो। यहाँ तक कि जो सन्यासी का भी पतन हो जाता था, प्रभुपाद जी कहते थे आप दोबारा, आपका स्वागत है, आप दोबारा आओ, गृहस्थ बनो, लेकिन सेवा करो, भक्ति का पथ मत छोड़ो। एक बार ऐसा हुआ कि आपने से शायद सुने होंगे कोई, वैसे ये भी एक प्रभुपाद जी के जीवन की बहुत अच्छी एक मतलब शिक्षा है। विष्णुजन महाराज थे प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य, बहुत सुंदर भक्त थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे और बहुत सारे भक्तों को उन्होंने इस्कॉन में लाए थे, बहुत भक्त बनाए थे। तो सन्यासी थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद जी अगर कोई सन्यासी अगर पतन हो जाए या अगर कोई गलत कार्य करे या गलत चिंतन करे तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने एकदम से कहा कि उसे शरीर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो छोटा हरिदास की जब कथा आती है चैतन्य चरितमृत में, तो महाप्रभु ऐसा ही कहते हैं कि सन्यासी हो के अगर
गलत काम कर रहा है तो उसे शरीर त्याग देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बस उतना कहा। फिर आगे प्रभुपाद जी थोड़े समय के बाद शायद समझाना चाहते थे कि नहीं, कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वो जो भक्त थे विष्णु जन महाराज, वो केवल इतना ही सुने और फिर वो चले गए। और फिर उन्होंने अपना, बाद में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब बाद में प्रभुपाद जी को खबर मिली तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ कि इतना सुंदर भक्त था। और तो इसलिए इससे शिक्षा प्रभुपाद जी देते हैं कि कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलती हो भी गई तो ऐसा आवश्यक नहीं कि हमें शरीर त्यागना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं। हालांकि महाप्रभु निकाल दिए काल कृष्णदास को, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको इतनी अच्छी सेवा दी। सोचिए, गौर कथा सुनाने का किसको, सची माता, अद्वैताचार्य, नवदीप में जितने सारे भक्त हैं हजारों की संख्या में आए होंगे, और काल कृष्णदास सबको महाप्रभु की सब लीला सुनाए दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट विटनेस थे, उन्हें सारी लीलाएं खुद देखा था। तो इतने दयालु नित्यानंद जी। तो ये इससे हमें और शिक्षा मिलती है कि नित्यानंद जी, गौर, महाप्रभु भी बहुत दयालु हैं, नित्यानंद प्रभु उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं। लेकिन इसका हमें गलत लाभ नहीं उठाना चाहिए। वी शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज, इंग्लिश में कहते हैं कि हाँ बहुत दयालु होते, ठीक है कुछ भी कर सकते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं सिंसियर, सिंसियरिटी मतलब क्या, कि अंदर से सच्चे, मतलब ऐसा नहीं कि हम जान मुझ को कोई गलती कर रहे हैं, तब नित्यानंद जी या महाप्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे। अनजाने में गलती हो जाए तब वो हमें माफ करेंगे। जैसे काले कृष्णदास, कोई जान मुझ के नहीं था कि वो प्लान करके गए थे नहीं मुझे वहां जाना है, नहीं, वो तो परिस्थिति कारण उसको वो भट्टाहरी की स्त्रियों ने उसको आकर्षित कर लिया। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में भगवान हमें क्षमा करते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो एक और ऐसी शिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी एक ऐसी सुंदर घटना हुई कि एक कोई एक दक्षिण भारत में, शायद कहते हैं मद्रास का मंदिर जहाँ थे, कि उसका उद्घाटन के लिए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बुलाया गया। कई महीनों से, कई वर्षों से भक्त लोग बहुत मेहनत किए थे, उनके सन्यासी शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, सब बहुत मेहनत किए थे ये मंदिर बनाने के लिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, कई बड़े बड़े गेस्ट आने थे, उद्घाटन होना था। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पहुँचे और पहुँच के सारे भक्त से मिले, बहुत प्रसन्न हुए सब तैयारी देख के। तो एक भक्त उनको दिखाई नहीं दिया, एक शिष्य, उनका ब्रह्मचारी शिष्य। तो उन्हें पूछा, अच्छा वो भक्त कहाँ पे है? तो फिर वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला, नहीं वो मंदिर से बाहर चला गया। बोला, अच्छा बाहर कैसे चला गया? बोला, नहीं उसने ऐसे कुछ थोड़ी गलती की और मैंने उसको बहुत डांटा, गलत शब्द बोला और बोला निकल जाओ यहाँ से, तो निकल के चला गया। तो भक्त ठाकुर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बोला, क्या वो कहा करते थे कि एक भक्त बनाने के लिए कई क्विंटल खून बहाना पड़ता है। कहते तो हम इतने मेहनत से भक्त बना रहे हैं, माया के चंगुल से एक जीव को निकाल पाना कितना मुश्किल है, और एक भक्त हम बनाए थे इतने कष्ट से और उस भक्त को आपने जाने दिया थोड़ी सी गलती के लिए। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी हो गए, क्रोधित भी हो गए। बोले, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, बोले पहले जाओ उस भक्त को ढूंढ के लाओ। तो सारे प्रोग्राम अस्त व्यस्त हो गया, सारे भक्त गए ढूंढने के लिए उस भक्त को, और लेकिन ढूंढे कहाँ। तो किसी को याद आया कि उस पर एक कला थी घड़ी रिपेयर करने की, शायद ब्रह्मचर्य आश्रम आने के पहले शायद वो काम करता होगा। तो उन्हें सोचा, जाएगा तो कहाँ जाएगा, कुछ तो रोजगार करेगा, हो सकता है किसी घड़ी मरामत की दुकान में वो गया होगा। तो भक्त लोग वहाँ गए और वास्तव में ऐसा ही हुआ, एक किसी घड़ी की मरामत की दुकान में वो घड़ी ठीक कर रहा था। तो उसको बोले अरे आपको बुला रहे हैं शिला भक्ति सर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कि आपको प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, हाँ गुरुदेव आए हैं और सारा प्रोग्राम बंद हो गया, आप नहीं हैं इसीलिए। तो उनके आंखों में आंसू आने लगा, क्या गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं? तो तुरंत वो वहाँ से भाग के आए, और जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे मिले तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर कार्यक्रम उद्घाटन का हुआ। तो कितना सुंदर ये इसमें शिक्षा दे रहे हैं हमें कि एक भक्त की कितनी अहमियत है, कि हमें कोई अगर भक्त गलती करता है जाता है तो उससे नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कैसे उसको वापस लेके आए, वापस भक्ति में कैसे उसको जोड़ें। लेकिन हमें स्ट्रिक्ट भी होना है,
एक बार कहते एक और ऐसी घटना थी, एक बार कोई भक्त छोड़ के चले गए तो श्रीला भक्तिसान ठाकुर डायरेक्ट उनको नहीं बुलाए क्योंकि उनको लगा कि इससे गलत उदाहरण हो जाएगा, लेकिन वो छुपके से प्रेसिडेंट को बोले मैं नहीं बुलाऊंगा लेकिन मेरे पीछे से तुम बुला लेना, कि अंदर में करुणा भाव था, वो चाहते थे कैसे भक्त वापस आ जाए। लेकिन एक आचार्य थे तो वो सोचे अगर बार बार मैं ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो भक्त लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो ऐसे जो उदाहरण है भक्ति का, जो जो दया का, ये कैसे गुरु गौरांग नितान पूछते दयालु हैं, तो इसको सुन के हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें भक्ति में ज़्यादा प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करें, पूरा पूरा प्रयास करें कि अपने अपने तरफ से कोई गलती ना हो। हम जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो मैंने आठवें श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सुबह उठना, मंगला आरती करना, ध्यानपूर्वक जप करना, भागवतम सुनना, ये सारे नियम का हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए पालन करने का। अगर ऐसा करते करते, वैसे तो चांस नहीं है अगर हम ये पूरा पालन करें कोई गलती हमसे हो जाए, अगर ऐसा करते करते बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो कृष्ण और उनके भक्त कृपा से हमारा दोबारा हमारी रक्षा जरूर होगी, वापस हम भक्ति के पथ में वापस आ जाएंगे। तो यही हमें इसे शिक्षा मिलती है भरत महाराज के चरित्र से, कि हमें खुद बहुत सतर्क होना है, और लेकिन साथ ही साथ ये मन में हमेशा विश्वास रहना चाहिए कि न मैं भक्त प्रणश्य, भक्ति का मार्ग ऐसा पथ है जिसमें कभी विनाश नहीं होता। और कोई आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट ही है, एक बार फेल हो गया तो फिर से उसको गया सब कुछ उसका, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। आपने इस जीवन में मान लीजिए 50% तक आपने सफलता प्राप्त की तो अगले जीवन में 51 से शुरू होगा। आपको भगवान हमेशा मौका देंगे कि आप भक्त के घर में जन्म हो या ऐसा वातावरण मिले कि हम भक्ति दोबारा कर पाए। तो ये सबसे सुंदर चीज़ है भक्ति के बारे में। बस एक आखिरी श्लोक आपको कहता हूँ, भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है जो नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव से, त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्भुजं हरेत् भजन अपक्वो अथोपते ततो यदि यत्र क्व भद्रम अभुदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। तो कहते हैं व्यासदेव, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, कि अगर त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्भुजं हरेत्, अगर कोई अपने स्वधर्म को त्याग के, यानी अपने जो संसारिक कर्तव्य को त्याग के अगर कोई क्या करता है, चरणाम भुजम हरे, अगर हरि के चरण का आश्रय लेता है और भजन अपक्वो पत्ते ततो यदि, मान लीजिए उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ इमेच्योरिटी के कारण, अंग्रेजी में था इमेच्योर यानी ज्यादा अपक्व स्थिति में, मान लीजिए उसका पतन हो भी जाता है, नारद मुनि कहते हैं इसमें कोई अभद्र नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ उसका, क्योंकि जितना भक्ति किया उसका इटर्नल हमेशा शाश्वत रूप से उसके पास रह गया, दोबारा उसी पॉइंट से वो शुरुआत करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन किया तो क्या लाभ है उसका, फिर से इस संसार में उसे जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही अच्छा कर्तव्य किया तो ऊंचा स्थान मिलेगा, स्वर्ग में जन्म मिलेगा या कोई राजा या इस तरह से, लेकिन रहा तो इस संसार में ही, क्या लाभ, कोई लाभ नहीं है। तो बल्कि अगर कोई अपने संसारिक कर्तव्यों का त्याग करके भगवान के शरण में आश्रय लिया, अगर पतन भी हो गया उसका कल्याण ही कल्याण है, उसका कभी अभद्र नहीं हो सकता। तो ये भक्ति मार्ग है, इसलिए जो भक्ति के 6 लक्षण हैं जो रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति के, क्या है, क्लेशग्नि, शुभदा, ऐसे 6 लक्षण है ना, कृष्णा आकर्षणी, सुदुर्लभा, तो शुभदा, शुभदा यानी शुभ, ऑस्पिशियस, मंगलमय। तो भक्ति सबसे मंगलमय पथ है, इसमें अमंगल होने का कोई रिस्क नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो हमें इसलिए अच्छे से भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए। और फिर से जब मैं बोलूँगा, इसे प्रभुपाद जी उसके श्लोक में कहते हैं इस अध्याय में, कि हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए खूब सतर्कता के साथ प्रभुपाद जी बताए हुए सारे नियम का पालन करना, और इतना मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद जी जो बताए हमारे लिए उसको करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होगी भक्ति के मार्ग। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, पूछ सकते हैं। तो
नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो नित्यानंद जी उनको कृपा किए। नहीं, गलती देखिए, थोड़ी बहुत तो गलती तो फिर भी है ही ना, क्योंकि एक मिनट, माता जी का प्रश्न है कि काला कृष्ण दास की गलती थी या कुछ गलती नहीं थी? तो उत्तर है कि थोड़ी गलती थी, क्योंकि वो महाप्रभु के साथ में थे, तो कहीं ना कहीं उनका मन भी भ्रमित हुआ। अगर वो चाहते तो वो थोड़ा और अगर मजबूत होते रुक सकते थे, लेकिन हाँ, गलती ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा परिस्थिति कारण उनको मोहित किया गया, इसीलिए तो नित्यानंदपुर ने कृपा किया। अगर वो जान बूझ के अगर पूरी पूरी उनकी गलती होती तो शायद नित्यानंदपुर इतना दयालु नहीं होते। इसलिए नित्यानंद जी ने उन पर दया की और उनको बंगाल भेजे। लेकिन महाप्रभु क्योंकि उदाहरण देना चाहते थे कि कैसे हमें माया से सतर्क रहना है, इसलिए उन्होंने नहीं नहीं आया। अगर हम अच्छे से भजन करेंगे तो कोई नहीं खींच सकता हमें। ये देखिए, हर चीज को हम अपने साथ नहीं तुलना कर सकते, ये एक लीला में उदाहरण की चीज है। जैसे जो भागवतम या चैतन्य चरितमृत में जो उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम अपने साथ पूरा पूरा तुलना नहीं कर सकते। इसमें जो शिक्षा है वो शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ये है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, दूसरी शिक्षा कि अगर हम गलत निकल भी जाते हैं, महाप्रभु ने उनको खींच के वापस ले आए, लेकिन बाद में महाप्रभु त्याग करना चाहे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी बोले नहीं नहीं इसको दूसरी सेवा दी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कैसे गुरु कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, कि महाप्रभु से ज़्यादा दयालु है नित्यानंद जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण।